हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर के पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी से बनते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, उसमें हमने एक चम्मच, यानी अगर आप छोटा चम्मच मापते हैं तो इसमें दो चम्मच है, अगर बड़ा चम्मच थोड़ा सा तो एक चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, रिफाइंड या सरसों का। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा को तड़कने देंगे। जीरा डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे मटर, और मटर डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, करीब एक ग्लास छोटा सा, और इसको हम फ्लेम को हाई कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने चाट मसाला घर में बनाया है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये पीसी खटाई, जैसे आप, और यहाँ देखिए आमचूर पाउडर हमने इसमें डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। ये फ्रोजन मटर है, बहुत जल्दी पक जाती हैं। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक हमने जो चाट मसाला बनाया है उसमें भी नमक है, तो हम थोड़ा सा ही डालेंगे एक्स्ट्रा नमक, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से इसमें नमक का वो हो जाए। और इसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, ऐसा कि थोड़े मटर हल्के से पक जाए, करीब दो मिनट। देखिए मटर भी पक चुकी हैं, करीब दो मिनट हमने इसको पका लिया है। अब इसमें हम ये मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। जिस तरह हम बना रहे हैं, बहुत अच्छा नाश्ता बनकर तैयार होता है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और काफी अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि ये सब जगह मसाले वगैरह हो जाए आलू में। और इसी में हम डाल देंगे ये धनिया ढेर सारी, और धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखिए आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको, आलू को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ लिया हमने थोड़ा सा बेसन, ज्यादा नहीं लिया हमने, क्योंकि हमें थोड़ा सा ही ये थोड़े पकौड़े बनाने हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, और ये जीरा का पाउडर थोड़ा सा। इन सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम एक बैटर बना लेंगे। ज्यादा पतला बैटर नहीं बनाना हमको, गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम, और इसको हम करीब दो तीन मिनट फेंट लेंगे ताकि पकौड़े अच्छे बने। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हमें इसका बैटर बनाना है बेसन का, और इसको हमने दो तीन मिनट ऐसे फेंट लिया है। और यहाँ पर हमने चार टमाटर लिए हैं लाल, इसको हम पीछे का हिस्सा इसके कुछ इस तरह से नाइफ से कट कर देंगे। और कट करने के बाद अंदर का जो बीज है उसको हम नाइफ की सहायता से निकाल देंगे, ये देखिए, और सारे बीज को हम निकाल देंगे इस तरह से। और इसके जो बीज है वो हम ऐसे निकाल लेंगे, और यहाँ देखिए सारे बीज हमने निकाल लिए हैं। इसी तरह से हम सारे निकाल लेते हैं, और यहाँ देखिए सारे टमाटर को हमने, टमाटर के बीज हटा लिए हैं। और यहाँ पर हमने लिया है आलू, बाकी का आलू हमने साइड में रख दिया है। थोड़ा सा आलू हम लेकर इन सभी टमाटर में ऐसे करके भर देंगे, और अच्छे से दबा दबा कर भरना है ताकि अंदर तक चला जाए आलू। ये देखिए पूरा अच्छे से हमने भर लिया इसको, इसी तरह से हम सारे भर लेते हैं।
और यहाँ देखिए हमने सारे टमाटर भर लिए हैं और इन टमाटरों को हम बेसन में ऐसे करके लपेट देंगे। इस तरह से पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं ये टमाटर के, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ देखिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसको बहुत अच्छे से हमने गरम कर लिया है। अब इसी में हम ये टमाटर का पकौड़ा डालेंगे और इसी तरह से हम एक एक करके डालेंगे ताकि ये पकौड़े आपस में चिपके ना। चलिए फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए पकौड़ा बन चुका है टमाटर का, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ देखिए टमाटर के पकौड़े बन चुके हैं और बहुत ही यम्मी यम्मी से बनते हैं। अब इसको हम कट करके दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही यम्मी लगता है ये। कभी भी आपका मन करे, हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और इसमें ये खट्टी चटनी और टमाटो सॉस डालकर आप खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है। और यहाँ पर हम ये वाले रख देते हैं, ये देखिए बहुत ही यम्मी यम्मी बनता है। अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।